हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। इसके पहले वाले पार्ट में हमने दिया था पहला और दूसरा क्वेश्चन, उसको तीन तीन थे, उसको सॉल्व किए थे। आज देखते हैं उसके अगले वाले प्रश्न से, यानी कि तीसरे प्रश्न को आज यहाँ सॉल्व करेंगे। इसमें है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और −√5/3 हैं। इसमें कह रहा है कि इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि कितने शून्य होंगे। इसमें x की घात 4 है, यानी कि जो बड़ा घात है वो 4 घात है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो शून्य होंगे वो टोटल 4 होंगे, जिसमें से दो शून्य दिए गए हैं। अब इन दो शून्य दिए गए हैं, हमें निकालना है केवल और दो शून्य। टोटल 4 शून्य होंगे, दो दिए हैं, दो और ज्ञात करना है। तो इन दोनों शून्यकों की सहायता से एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्योंकि दो शून्य से द्विघात समीकरण बनेगा, यानी कि x का घात 2 करके बनेगा। और द्विघात समीकरण से इसको भाग करेंगे तो बाकी द्विघात मिल जाएगा दूसरा वाला, और उसका गुणनखंड कर लेंगे, दो शून्य का जाएंगे। तो इसमें दिया है इसके दो शून्य, ये दिया है और ये दिया है। तो इसको हम मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा, यानी कि दो शून्य दिए हैं तो अल्फा बीटा मान लेंगे इसको हम। तो लिखेंगे अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर दिया हुआ है −√5/3, ये दिया हुआ है इतना। अब अल्फा बीटा हमें पता है दोनों शून्य, एक समीकरण भी पता है, द्विघात समीकरण बनाने की विधि हमने बता दिया था, x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इससे द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको इसको जोड़ देंगे, 5/3 और 5/3 जो माइनस और प्लस में है रूट में जुड़ जाएगा, दोनों विपरीत चिन्ह है तो वैसे कट जाएगा, लेकिन लिख दे रहे हैं एक बार। और ये माइनस में है, −√5/3 ये हो जाएगा। और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों मानों को गुणा कर देंगे तो √5/3 गुणे −√5/3, इन दोनों को गुणा कर देंगे और हो जाएगा बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में है माइनस में है कट गया, तो ये तो 0 हो गया, तो x से गुणा ये भी 0 आ गया। x² प्लस माइनस का गुणा माइनस, रूट और रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों सेम मान है और सेम गुणा होंगे, तो क्या होता है रूट हट जाएगा, 5/3 बच जाएगा। ये बचा 5/3 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 3x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0, 3 जाकर 0 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मिल गया द्विघात समीकरण। इन दोनों शून्यकों की सहायता से हमें ये मिला। अब इस द्विघात समीकरण से इसको भाग देंगे, जब इसको भाग देंगे तो फिर द्विघात में आएगा, उसका गुणनखंड कर लेंगे और जो बचा है शून्य वो आ जाएगा। अब जो यहाँ पर मान निकाला गया है वो अगर अल्फा बीटा ना मानना चाहें तो दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरह से यक्ष का मान आता है। जब किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो यक्ष के दो मान आते हैं, जैसे इसमें यक्ष का मान आया है √5/3 और ये आया है −√5/3, इस तरह से आया हुआ है। अगर इसको इधर लाएंगे तो बनेगा यक्स −√5/3 बराबर 0, इसको इधर लाएंगे तो यक्स प्लस √5/3 और बराबर 0, इस तरह से बन जाएगा। जब इन दोनों को एक में मिलाएंगे तो बनेगा यक्स −√5/3 और ये भी गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो यक्स प्लस √5/3 बराबर 0। मतलब जैसे द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं उसका उल्टा स्टेप ले करके जाएंगे। अब ये गुणा होगा तो ये माइनस बी और ये प्लस बी वाला सूत्र लग जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा रूट हट जाएगा, तो 5/3 बराबर 0, ये यही मान आ गया, x² माइनस 5/3 बराबर 0। तो चाहे दोनों शून्य मान करके सूत्र से लगाएं या फिर दोनों को अलग अलग करके एक में फिर करके द्विघात समीकरण वाले विधि से सॉल्व करें, दोनों सही है। तो इसको फिलहाल हटा दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें बाकी दो शून्य निकालने हैं, तो इस वाले द्विघात समीकरण से इसको भाग देना है। तो यहाँ 0 को हटा देंगे, यह है 3x² माइनस 5, इससे भाग देंगे हम इस वाले को, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x²
माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव, इसको भाग दे देंगे और ये पूरा पूरा कटना भी चाहिए और कटेगा भी ये। अब थ्री एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करें कि थ्री एक्स पावर फोर बन जाए, वही भाग वाले नियम। तो थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, अंक गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ दो घात है, यहाँ चार घात है, अगर यहाँ दो घात और आ जाए तो ये चार घात बन जाएगा, केवल गुणा होगा एक्स घात दो से। तो एक्स घात दो का इससे गुणा थ्री एक्स पावर फोर, और एक्स घात दो का माइनस पाँच में भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाँच एक्स स्क्वायर। तो माइनस पाँच एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ हो जाएगा ये। अब माइनस कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया। क्यूब वाले को उतार लेंगे तो सिक्स एक्स क्यूब, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, एक माइनस में दूसरा प्लस में तो घट जाएगा, पाँच में से दो गया तीन, प्लस तीन एक्स स्क्वायर। माइनस दस एक्स को भी उतार लेंगे। अब थ्री एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करें कि प्लस सिक्स एक्स क्यूब आ जाए, तो तीन दुनी छः, पहले दो चाहिए, प्लस दो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, एक एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा छः एक्स क्यूब। अब दो एक्स का गुणा माइनस पाँच से, तो पाँच दुनी दस एक्स, लेकिन माइनस में, तो माइनस दस एक्स, और एक्स वाले के ही नीचे लिखेंगे, स्क्वायर वाले के नीचे नहीं लिखेंगे। ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, और ये माइनस दस एक्स प्लस दस एक्स, दो के दोनों कट गए, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब उतारेंगे माइनस फाइव को, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, दोनों सेम सेम है, तो प्लस वन, तो प्लस वन करेंगे तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा माइनस फाइव, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, शेषफल जीरो। अगर शेषफल जीरो आ गया तो ये वाला इसका एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो भागफल कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो दो मान आएंगे, इसके गुणनखंड कर लें इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे। एक्स स्क्वायर एक का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर दो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो एक एक्स यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, इन दोनों में एक्स कामन तो बचेगा एक्स प्लस वन, इन दोनों में वन कामन तो बचेगा एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन दोनों में है तो एक्स प्लस वन कामन हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब एक बार हो जाएगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो, दूसरी बार एक्स प्लस वन बराबर जीरो, दोनों सेम सेम है, तो एक्स बराबर माइनस एक, और यहाँ भी एक इधर आएगा तो एक्स बराबर माइनस एक, यानी कि जो शून्य हो जाएंगे दो और वो हो जाएंगे माइनस एक और माइनस एक। अब पहले दो शून्य दिए थे रूट पाँच बटे तीन और माइनस रूट पाँच बटे तीन, दो ये और दो ये, चारों शून्य किसके हो गए, चार घात था इसलिए चार शून्य का गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे बार ये अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस दो और माइनस टू एक्स प्लस फोर हैं, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। कह रहा कि इसको हमें किसी बहुपद से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल और शेषफल आ रहे हैं, तो हमें निकालना है जी एक्स, तो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा फार्मूला होता है। अब जो जो मान दिया उसको रखते चले जाएंगे। भाज्य कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू, भाजक, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, मतलब जी एक्स, जी एक्स नहीं दिया हुआ है। भागफल कितना आ रहा है, भागफल हमारा है एक्स माइनस दो, प्लस शेषफल ये दिया हुआ है माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये इतना मान दिया हुआ है। अब जी एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो प्लस वाले मान है इसको कहाँ ले आएंगे, बाईं तरफ, उसके बाद एक्स माइनस दो इसमें गुणा किया है, ये आकर के भाग हो जाएगा, तो पहले उसको लेकर के आए यहाँ। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये माइनस टू एक्स है इधर आएगा तो प्लस टू एक्स, ये प्लस फोर है इधर आएगा तो माइनस फोर बराबर जी एक्स गुणे एक्स माइनस दो। अब इसको सॉल्व कर लें तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स, दोनों प्लस में हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो दो और यहाँ एक तीन, माइनस चार प्लस दो ये बचेगा माइनस दो बराबर जी एक्स
गुणे यक्स माइनस दो। अब जी यक्स का मान निकालने के लिए यक्स माइनस दो से यहाँ ला करके भाग करना होगा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यक्स क्यूब माइनस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस थ्री यक्स माइनस टू बटे, ये हो जाएगा यक्स माइनस टू बराबर जी यक्स। अब इसको भाग दे देंगे, जी यक्स का मान आ जाएगा। तो चलिए भाग करते हैं, यक्स क्यूब माइनस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस थ्री यक्स और माइनस टू। अब इसको भाग दे दें, यक्स में कितना गुणा करें कि यक्स क्यूब आ जाए, तो यक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा। दो घातीय एक घातीय बन गया तीन घात, और यक्स स्क्वायर का गुणा माइनस दो में, तो ये हो जाएगा माइनस दो यक्स स्क्वायर। माइनस ये प्लस, ये कट गया। अब माइनस तीन यक्स स्क्वायर प्लस दो यक्स स्क्वायर, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो ये घट जाएगा। तीन में से दो घटेगा एक आएगा, लेकिन माइनस का एक यक्स स्क्वायर। एक को चाहे ना लिखें, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता गुणांक में, प्लस थ्री यक्स। और सॉल्व करें, हम यक्स में क्या गुणा करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ चिन्ह प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो चिन्ह पहले तो माइनस लगाना होगा। यहाँ अंक कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यक्स घात एक है, यहाँ यक्स घात दो है, तो एक घात और चाहिए, यानी कि यक्स केवल चाहिए। तो हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर, और माइनस यक्स का माइनस दो से गुणा प्लस दो यक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया। प्लस तीन यक्स माइनस दो यक्स, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो घट जाएगा, तो बचेगा केवल यक्स और माइनस दो। यक्स माइनस दो शेषफल भी यक्स माइनस दो, यानी कि प्लस वन, तो ये भी हो जाएगा यक्स माइनस दो, ये माइनस ये प्लस, कट गए दोनों, शेषफल जीरो आ गया। यानी कि जी यक्स का जो मान आया वो आ गया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस वन। जो जी यक्स का मान आया वो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस वन आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखें। ये पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बहुपदों पी यक्स जी यक्स क्यू यक्स और आर यक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा घात पी यक्स बराबर घात क्यू यक्स, दूसरा है घात क्यू यक्स बराबर घात आर यक्स, तीसरा है घात आर यक्स बराबर जीरो। तीन तरह से हमें उदाहरण लेना है, और तीनों में जो कंडीशन दिया है ये फॉलो करना चाहिए, और एल्गोरिथम विभाजन भी संतुष्ट करना चाहिए। एल्गोरिथम वही भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और घात का मतलब है जो बहुपद का जो सबसे बड़ा घात हो वो आना चाहिए। मतलब कि पी यक्स का जो बड़ा घात है वो क्यू यक्स के बड़े घात के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले पी यक्स के घात को कुछ मान लें हम अपने मन से। इसमें कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिया है वही लिया जाए, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो पी एक्स को हम ले रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पंद्रह एक्स प्लस छः, इस तरह से करके हमने ले लिया। अब क्यू एक्स का भी उदाहरण ले लें कोई, लेकिन अब क्यू एक्स में हमें ध्यान देना है, क्योंकि पी कह रहा है कि पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। तो पी एक्स का घात हमने दो ले लिया है, तो क्यू एक्स का घात भी दो होना चाहिए। और इन दोनों को सॉल्व करने पर जो विभाजन एल्गोरिथम है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वो भी संतुष्ट करना चाहिए। तो अब जी एक्स के मान में क्या लिख दें हम, कोई मान इसी में से या तो शामिल करके लिख दें हम। तो इसको लिख दे रहे हैं यक्स स्क्वायर, इसी में से ले रहे हैं मान, तीन कामन कर लें तो तीन पचे पंद्रह पाँच यक्स और तीन दुन्नी छः प्लस दो। दूसरे में है घात क्यू एक्स बराबर घात आर यक्स। तो पहले लिख दें विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। विभाजन एल्गोरिथम में होता है पी एक्स बराबर यानी कि भाज बराबर भाजक यानी कि जी एक्स गुणे भागफल क्यू एक्स प्लस शेषफल यानी कि आर एक्स। ये होता है विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला। अब इसमें कह रहा है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। क्यू एक्स कौन सा है इसमें, ये वाला है, इसका घात और शेषफल का घात ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों घात बराबर होने के लिए क्या करेंगे, अब इस वाले को हम भाग वाले के रूप में लिख लें, अभी समझ में आ जाएगा अपने आप। यहाँ लिखेंगे जी एक्स, इससे भाग देते हैं किसको, पी एक्स को, और यहाँ जो भागफल आता है वो आता है क्यू एक्स। भागफल में हमें प्राप्त होता है क्यू एक्स, और शेषफल में आर एक्स आता है, यहाँ पर आर एक्स आ जाता है। इसमें चाहिए घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, मतलब इसका घात और इसका घात हमें बराबर चाहिए। अगर यहाँ पर यक्स आ रहा है तो यहाँ भी शेषफल में यक्स ही आना चाहिए।
तो जब ये यक्ष आएगा ये भी यक्ष आएगा तो यहाँ दोनों क्या हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जब यक्ष है तो ये वाला जो घात है वो यक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी यक्ष वाला भी अगर यक्ष घात हो जाएगा तो एक बार फिर से भाग कर देंगे, तब ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि मान हमारा सही नहीं आ पाएगा। तो अगर ये यक्ष यहाँ शेषफल में आ रहा है तो इसका मतलब कि इसका घात एक ज़्यादा होना चाहिए, भागफल यक्ष शेषफल यक्ष, क्योंकि घात दोनों का एक एक है सेम घात, तो ये एक घात ज़्यादा यक्ष स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ जब यक्ष स्क्वायर होगा यहाँ पर यक्ष होगा तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो भाज्य होगा वो घात तीन बन जाएगा, ये इसका तरीका है। अगर यहाँ एक घात है तो यहाँ भी एक घात होना चाहिए, जब शेषफल एक घात है तो जिससे भाग कर रहे हैं वो इससे एक घात ज़्यादा होना चाहिए, तो ये घात दो बन गया। जब ये घात दो और एक घात तो जो भाज हमारा होगा वो कितना होगा, घात तीन होगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो तीन ही घात आएगा, और इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही वो हमारा पी एक्स का मान होता है। यहाँ दो घात करेंगे तो यहाँ भी दो घात होगा, तो यहाँ तीन घात होगा तो यहाँ कितना घात हो जाएगा, तीन घात ये और दो घात ये, तीन दो यहाँ पर पाँच घात हो जाएगा। इस तरह से इसका ट्रिक होता है। देखते हैं, जैसे अगर भागफल में यक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ भी यक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों का घात बराबर होना चाहिए, इसका घात बड़ा होना चाहिए, तो ये तीन घात ये दो घात ये तब बन जाएगा यक्स घात पाँच। तो इतना लंबा हमें मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसी को ले रहे हैं मान को, स्क्वायर वाले को, इसको हटा दें इन सबको। क्यू यक्स का घात एक, आर यक्स का घात एक और जी एक्स का घात दो, तो ये घात तीन। अब इस तरह से कौन कौन सा उदाहरण ले सकते हैं हम, तो उदाहरण पहले शुरू करेंगे यहाँ से और यहाँ से, ऐसे शुरू करें मान को हम, तो हम इसको ले रहे हैं पहले यक्स स्क्वायर माइनस दो। जब इसको यक्स स्क्वायर माइनस दो लेंगे यानी कि जी एक्स को, तो हम क्यू एक्स को क्या ले सकते हैं, हमें यक्स में लेना है यानी कि एक घात में लेना है, तो इसको भी कर दें हम यक्स प्लस तीन। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी मान ले सकते हैं, बस विभाजन एल्गोरिथम यानी कि ये वाला मान जो दिया है फार्मूला पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसको संतुष्ट करना चाहिए, बाकी कुछ भी मान रख सकते। इन दोनों को अलग गुणा करा लें तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस दो और यक्स प्लस तीन। गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर का यक्स से गुणा यक्स क्यूब, इसका इससे गुणा करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा करेंगे माइनस दो एक्स, इस वाले का इससे गुणा करेंगे माइनस छः। अब इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे रह जाएगा ये, मतलब कि जी एक्स और क्यू एक्स को गुणा किए तो इतना आ गया। परंतु हमें एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ शेषफल भी बचना चाहिए, और शेषफल किसके रूप में आना चाहिए, यक्स के रूप में आना चाहिए। अगर इस वाले मान को रख देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, जब हम जी एक्स से इस पी एक्स को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा हमारा क्यू एक्स यानी कि यक्स प्लस थ्री, और शेषफल क्या बचेगा, शून्य बच जाएगा। परंतु हमें शेषफल को शून्य नहीं रखना है, रखना है यक्स, तो यक्स का मतलब ये वाला, तो इस वाले को मान को हम इसको रख दें हम माइनस चार, तो यक्स क्यूब प्लस थ्री यक्स स्क्वायर, या माइनस की जगह इसको हम प्लस कर दें इस तरह से। इस मान को हमें चेंज करके रखना है, क्योंकि घटाने पर जीरो नहीं आना चाहिए, जो शेषफल है वो जीरो नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए यक्स के रूप में। तो अब यहाँ लिखेंगे हम पी यक्स बराबर यक्स क्यूब प्लस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स माइनस सिक्स, ये हो गया हमारा पी एक्स का मान। अब इसको हटा दें यहाँ से, अब क्या करें, तो यक्स स्क्वायर माइनस दो से भाग करेंगे यक्स क्यूब प्लस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस दो यक्स माइनस छः को। तीसरे में है घात आर यक्स बराबर जीरो, आर यक्स का मतलब कि जो शेषफल है उसका घात जीरो होना चाहिए, और जीरो कब होगा, जब कोई शेषफल में अंक होगा, तो अंक का जब यक्स के घात जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाँच ही आएगा, क्योंकि यक्स का घात जीरो का मतलब एक होता है, तो पाँच का नम पाँच, पाँच आ गया, यानी कि जो शेषफल में मान आएगा वो कोई अंक में आना चाहिए, उसके साथ यक्स नहीं होना चाहिए, अगर यक्स होगा तो यक्स का घात जीरो होगा। तो वही कह रहा है कि आर यक्स का घात जो है वो घात आर यक्स बराबर जीरो होना चाहिए, यानी कि कोई अंक में आना चाहिए। तो पहले इसको हम भाग वाले रूप में लिख लें, जैसे अभी इसके पहले वाले दूसरे वाले में लिखे। अब जी यक्स से भाग देंगे पी यक्स को, भागफल क्यू यक्स मिलेगा और शेषफल आ जाएगा हमारा आर यक्स। ये जिस तरह से दूसरे वाले में किए थे उसी तरह से वही प्रोसेस करके इसमें भी अपनाना है। अब हमें क्या चाहिए, घात आर यक्स बराबर,
तो आर एक्स को हम कोई अंक ले लें, जैसे ले लें 5, तो ये यक्स की घात कितना हो जाएगा, 0 घात हो जाएगा। तो ये वाला घात इससे एक बड़ा कर दें, मतलब ये ट्रिक है निकालने की विधि, और दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है कि शेषफल में अगर घात 0 है तो जिससे भाग कर रहे हैं वो इसका एक घात ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ कर दें हम यक्स प्लस 3। अब यहाँ जो भाज्य है वो कुछ भी ले लें, या जो भागफल है उसको कुछ ले लें, दोनों में से कोई एक के मान को हमें कुछ और लेना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं जी एक्स बराबर यक्स प्लस 3। अब भाज्य वाले को कुछ भी ले सकते हैं मान को, हम जो मान लेंगे उसी अनुसार हमारा भागफल वाला मान आ जाएगा। तो पी एक्स बराबर ले रहे हैं यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करके ले लें, इस तरह से मान हो जाएगा। अब पी एक्स को जी एक्स से भाग दे दें, जो मान आएगा वही हमारा भागफल हो जाएगा, जो भागफल बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो जी एक्स है यक्स प्लस 3, भाग देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, यक्स में यक्स गुणा करेंगे तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का प्लस 3 से गुणा 3x, ये माइनस कट गया, ये माइनस 3x है, ये प्लस 2x है, विपरीत चिन्ह है घट जाएंगे, माइनस यक्स प्लस 1 हो गया। अब यक्स प्लस 3 में क्या गुणा करें कि माइनस यक्स आ जाए, यानी कि यक्स में क्या गुणा करें कि माइनस यक्स आ जाए, तो माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस यक्स, अब माइनस 1 का प्लस 3 से गुणा माइनस 3, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये कट गया, प्लस 3 प्लस 1 यानी कि प्लस 4 मान आ गया शेषफल में। अब यहाँ जो 5 लिए थे वो क्या हो गया, किसने बदल गया, 4 में बदल गया। तो अब इसको लिख दिया जाएगा, इसको यहाँ से हटा दें हम। अब यहाँ लिखेंगे क्यू एक्स बराबर यक्स माइनस 1 और आर एक्स बराबर 4। अब 4 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका घात 0 हो जाएगा, क्योंकि यक्स की घात 0 कर सकते हैं इसको। तो बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके बाद में जो अगला पार्ट होगा 2.4 वाला, उसको जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक लिए धन्यवाद।